हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कैसे हमारा हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें हम दो मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड हम लॉन्ग मेथड देखेंगे, देन इसका शॉर्ट मेथड भी हम लोग देखेंगे। लॉन्ग मेथड आपने तब यूज करना है जब आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर 10 नंबर का, तो वहां पर आपने हेक्साडेसिमल बाइनरी लॉन्ग मेथड के थ्रू करना है। अगर आपका एक नंबर या आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने वहां पर शॉर्ट मेथड का यूज करना है। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका, सिंपल एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे 2d5। ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसे आपने किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो लॉन्ग मेथड की बात करें तो लॉन्ग मेथड में आपने इसका प्रोसेस टू स्टेप मेथड है इसका। सबसे पहले आपने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन उस डेसिमल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2d5 है आपका, पहले हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2d5 अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आपने लिखना है 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड 16 की पावर 2। तो आपने लिखना है 2 × 16 की पावर 2, 2 × 16 की पावर 2 प्लस d × 16 की पावर 1 प्लस 5 × 16 की पावर 0। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 × 16 16 256 होता है, प्लस d की वैल्यू आपकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो d की वैल्यू है वो होती है आपकी 13 13 × 16 प्लस 5 × 16 की पावर 1। हेक्साडेसिमल में आपने कोड याद रखना है, 8421 इसका कोड होता है। और जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपका 10 है, 10 को लिखा जाता है इसमें a, 11 को b, 12 सी होता है, 13 आपका डी होता है, 14 ई होता है और 15 आपका यहाँ पर एफ होता है। तो ये आपने याद रखना है, तो 13 डी को हम लोग 13 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 × 256 होता है आपका 512 प्लस 13 × 16 आप करेंगे तो ये आएगा 208 प्लस कितना हो जाएगा 5, और इसको अगर प्रॉपर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपकी 725। ये आपका डेसिमल कन्वर्ट हो गया। सिंपल है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, अब इस डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 725 ये डेसिमल नंबर है जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को हम लोग डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 6 = 12, 2 × 2 = 4, 1 आपका कैरी आ गया। फिर 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 0 कैरी आ गया आपका, रिमाइंडर बचा 0, 2 × 9 = 18, 0 और यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया है। नेक्स्ट आपका आएगा 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 1 रिमाइंडर, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 0, नेक्स्ट 2 × 5 = 10, 1 रिमाइंडर हो गया आपका, नेक्स्ट 2 × 2 = 4, 1 रिमाइंडर आ जाएगा इसमें, और लास्ट में 2 × 1 = 2, तो 0 आपका रिमाइंडर आ गया। तो सिंपल है, ये आपका MSB हो जाएगी और ये आपकी LSB हो जाएगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और नीचे से ऊपर की तरफ आपने चलना है। तो 725 ये आपका डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, नीचे से चलना है 10 10 10 10 10 10 10, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं 2d5 ये अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो इसका बाइनरी हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ये आपका इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये आपका लॉन्ग मेथड था, अब इसका हम शॉर्ट मेथड देखेंगे, शॉर्टकट मेथड। इसमें आपने 2d5 ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी में। तो आपने कोड याद रखना है, हेक्साडेसिमल का जो कोड होता है वो होता है 8421, तो 8421 के थ्रू आपने कोड निकालना है। तो 5 का कोड, अगर 5 कोई नंबर है तो उसका कोड आप कैसे लिखेंगे, 5 आपका इन तीनों में से किसको ऐड करके आता है, 4 + 1 = 5 होता है, तो 5 का जो कोड हो जाएगा आपका वो जाएगा 0101। तो यानी जो 5 है उसका कोड हो जाएगा 0101। ऐसे आपका डी है, डी की वैल्यू हेक्साडेसिमल में 13 होती है, ये हमने यहां पर देखी थी, 13 थी डी की वैल्यू, 13 थी, और 13 के लिए कोड कितना हो जाएगा, 8 + 4 = 12 12 + 1 = 13। तो 13 का जो कोड हो जाएगा आपका, या डी का कोड बोले, 1 4 12 12 13,
तो ये हो जाएगा आपका 1101, और 2 का कोड आपका हो जाएगा इसमें 0010 0010। तो ये आपका इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो शुरू के आप 20 हटा सकते हैं क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आया 1011010101। ये आपका इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ चुका है जो सिमिलर है आपका ये टर्म के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आएंगी, सेम आएंगे, 1011010101। तो ये शॉर्टकट मेथड है और ये आपका लॉन्ग मेथड है। तो दोनों मेथड आप इसमें देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।